वेलकम टू शर्मास वर्ल्ड गाइस, मेरा नाम है रितु और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे दो होम बेस्ड रेमेडीज़ जिसे यूज़ करके आप अपने छोटे बच्चों से लेकर बड़े एज के पीपल तक को सर्दी जुकाम से रिलीफ दिला सकते हैं। हमने इस वीडियो में दो ऐसी रेसिपीज शो की हैं जिसे यूज़ करके आप अपनी कोल्ड एंड कफ में बहुत जल्दी रिलीफ फील कर सकते हैं। ये रेमेडीज आप किसी भी एज ग्रुप के पीपल पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे वेदर चेंज होता है वैसे वैसे हम इस वायरस से अफेक्ट होते हैं। हमने अपने आज के इसी वीडियो में दो ऐसी रेसिपी शो की हैं जिसे यूज़ करके आप इजीली अपनी कोल्ड एंड कफ से रिलीफ पा सकते हैं। फर्स्ट रेसिपी में हमने यूज़ किया है जिंजर, हनी, क्लोव, ब्लैक पेपर। ये सभी इंग्रेडिएंट्स हम सबके किचन में बड़े इजीली पाए जाते हैं और आप इनसे बनने वाली जो रेसिपी हमने शो की है आप उसे यूज़ करके आप खुद ही पाएंगे कि आपको कितनी जल्दी कोल्ड कफ में रिलीफ मिलेगा। आप इस रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको या आपके बच्चों को ये कितना इफेक्ट किया। ये जो फर्स्ट रेसिपी है ये आप अपने बेबीज को या आप खुद भी इसे आपको एक स्पून सुबह लेना है और एक स्पून शाम को लेना है। बेस्ट वुड भी रात को सोने से पहले जस्ट उसको आप एक टीस्पून के बराबर आप उसको ले लीजिए और वो जो उसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसको आपको रिलीफ दिलाएंगे कोल्ड एंड कफ में। आप खुद ही पाएंगे कि 2 से 4 दिन के अंदर आपका पूरा म्यूकस क्लियर आउट हो गया और आप उससे रिलीफ पाएंगे। जो हमारी दूसरी रेसिपी है उसमें हमने दिखाया है कि आप कैसे घर पे ही मस्टर्ड ऑयल तैयार कर सकते हैं और उसकी मसाज आप बड़ों से लेके छोटे बच्चों को दे सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसे आप रात के समय देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप उसे रात के समय आपकी चेस्ट पे, बैक पे, हैंड्स पे, अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो बी केयरफुल, आप उनको मिटन्स पहना दीजिए बिकॉज छोटे बच्चे यूजली अपने हाथ जो अपने मुँह में ले लेते हैं। तो लेकिन आपको ये इसे देने के बाद आपको शावर नहीं देना है, आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और जो इसका हीट होता है या इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं या उनके जो जितने भी इंटैक्ट स्मेल होगा वो आपको या आपके बेबी को क्विकली रात भर में उसका इतना स्ट्रांग इम्पैक्ट देगा कि आपका जितना म्यूकस जितना कंजंक्शन होगा वो सारा मेल्ट डाउन हो जाएगा और वो या तो पॉटी के थ्रू निकल जाता है या फिर माउथ के थ्रू वो सारा क्लियर आउट हो जाता है। ये दोनों रेसिपीज बहुत इफेक्टिव हैं, आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये कितना इफेक्ट किया। तो आइए शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 8 क्लोव्स लेने हैं, 16 ब्लैक पेपर और 1 बड़ा जिंजर का टुकड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं एक पैन में डाल देंगे और हम इसे एक स्लो मीडियम गैस पे इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो आपको इसे चलाते रहना है और आप इसे स्लो गैस पे ही रखिए। आप इसे हिलाते रहिएगा ताकि ये जल नहीं जाए और ये सब तरफ से एक जैसा इक्वल भुनेगा। गाइस इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो क्लोव है स्पेसिफिकली आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये आपको ये फूल के मुंह जैसा ही लेना है। तो आप इसे कंटिन्यू हिलाते रहिए और वंस आपको लगे कि रोस्ट हो गया आप इसे गैस फ्लेम बंद कर दीजिए। गाइस तभी मैं अपना ये ड्राई रोस्ट किया हुआ ब्लैक पेपर एंड लौंग जो हैं वो इसमें निकाल लूँगी, इसको मैं क्रश करूँगी। जो जिंजर का टुकड़ा है वो आप अलग से कटोरी में निकाल लीजिए, हम इसे क्रश करेंगे और फिर इसका जूस निकालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं इसे क्रश कर रही हूँ। आप इसे कैसे भी क्रश कर सकते हैं, आप इसे इस वे से भी क्रश कर सकते हैं और अगर आपको मिक्सर ग्राइंडर में करना है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो ये बटी एक बार रोस्ट हो जाने के बाद काफ़ी अच्छे से आराम से पाउडर्ड फॉर्म में या क्रश फॉर्म में ये हो जाता है, आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा एकदम से क्रश किया हुआ पाउडर फॉर्म में ये पूरा हमने बना के तैयार कर लिया। और अब हम सिमिलर वैसे ये जो जिंजर है इसको ग्रेट कर लेंगे और फिर इसका जूस निकाल देंगे। तो इसके बाद हमें लेना है थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक और 1 पिंच ऑफ हल्दी। तो आइए अब हम इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स करके एक होम बेस्ड रेमेडी कोल्ड एंड कफ के लिए तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें लेना है ये जो हमने लौंग और काली मिर्च का पाउडर बनाया है इसका बिल्कुल 1/4 स्पून लेना है। आपके बेबीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फ्लेवर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा सा जिंजर का ग्रेट किया हुआ जूस हमने निकाल लिया है वो भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हमें लेना है बिल्कुल पिंच ऑफ सेंधा नमक और बिल्कुल पिंच ऑफ टर्मरिक।
तो हमारे इस मिक्स किए हुए सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर हम 4 स्पून्स ऑफ हनी ऐड कर देंगे। सो गाइस, ये हमने इसमें हनी ऐड कर लिया है। आइए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये आपका मिक्सचर तैयार हो गया। अब आपको इसको आपके बेबी को एक सुबह और एक शाम एक एक स्पून देना है। और ये एक बहुत अच्छा कोल्ड एंड कफ का होम बेस्ड रेमेडी है। आपको आपके बेबी को इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो बेबीज़ की मस्टर्ड ऑयल मसाज के लिए आज हम मस्टर्ड ऑयल कैसे तैयार करेंगे फॉर होम मेड कोल्ड एंड कफ रेमेडी के लिए। तो उसके लिए हमें चाहिए अजवाइन, हमें फ्यू गार्लिक क्लोव्स चाहिए, इसके लिए हमें मस्टर्ड ऑयल चाहिए और एक एम्प्टी ग्लास जार चाहिए। आप कोई भी ग्लास जार ले सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लेना है। आप लगभग 4 बड़े टेबलस्पून भी ले सकते हैं। और इसको जब एक बार ये अच्छे से हीटअप हो जाए, जब इसकी एक फ्रेगनेंस जो मस्टर्ड ऑयल की होती है वो निकल जाए, आप उसके बाद इसमें आप उसमें ये जो गार्लिक है इसे स्लिट कर लीजिए और फिर ये हम इसमें डाल देंगे। आप ऐसे इसको स्लिट कर सकते हैं लाइक 2 या 3 या 4 पीसीज में। और फिर हम इसे जब मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसमें डाल देंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गार्लिक को बहुत ज़्यादा आपको ब्राउन नहीं करना है। जब आप इसमें गार्लिक डालें तो गैस को बहुत स्लो कर दें ताकि उसमें उसका फ्लेवर जो है इमर्स हो जाए। और अब आप देख सकते हैं कि मस्टर्ड ऑयल में से एक स्मोक निकलना स्टार्ट हो गया है। अब आप इसके अंदर अपना ये गार्लिक, पर आपको उसके लिए पहले गैस मीडियम कर देनी है। आप उसके अंदर अपना ये गार्लिक डाल दीजिए, पर आपको गैस को बहुत मीडियम या लो फ्लेम पे रखना है ताकि गार्लिक जो है ये अपना जो अपना फ्लेवर है वो ऑयल के अंदर छोड़ सके। जब आपको लगे कि आपका ये गार्लिक जो है हल्का गोल्डन टर्न होने स्टार्ट हो गया, आप उसके बाद उसके अंदर अजवाइन के सीड्स डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये ऑयल भी अच्छे से हीटअप हो चुका है और ये गार्लिक भी उसके अंदर अच्छे से रोस्ट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल में ये जो गार्लिक था वो गोल्डन ब्राउनिश टर्न होना स्टार्ट हो गया। अब हम इसके अंदर अपना 1/2 स्पून ऑफ अजवाइन के सीड्स डाल देंगे, लिटिल बिट मोर, एंड हम इसी के साथ इसको हिलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम से गोल्डन ब्राउनिश हो गया और जो हमारे कैरम सीड्स थे, जो हमारे अजवाइन के सीड्स हैं, वो भी इसके अंदर जाके क्रैकिंग हो रहे हैं। और वो एक ये सबसे बेस्ट रेमेडी है गाइस फॉर कोल्ड एंड कफ एंड गिव अ मसाज ऑयल टू लिटिल बेबीज। और ये उनको रात में दीजिए। आप उनको रात में देने के बाद उनको ढक दीजिए ताकि वो सो दैट उनका ये जो मस्टर्ड ऑयल अपना वर्क कर सके और आपके बेबीज को एक गुड रिलीफ दे सके। अब इसको कोल्ड होने के लिए थोड़ा रख देते हैं ताकि मसाज करने के लिए ये एकदम एप्रोप्रिएट हो जाए। एक बार ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे स्टेन कर लेंगे। और आप अपने किसी भी कंटेनर, मेरे पास ग्लास जार है, आप ग्लास जार में इसको रख सकते हैं। आप इसे जब बेबी को देना हो आप इसे हल्का सा फिर से वार्म कर लीजिए। बिल्कुल हल्का सा वार्म करना, ज़्यादा बर्न नहीं करना ताकि बेबी की स्किन जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो उसके कारण जेंटल वार्म, बिल्कुल थोड़ा सा गर्म करके ताकि वार्म मसाज हो सके। गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि ये मस्टर्ड ऑयल अभी हॉट है, तो मैं अभी इसको एक स्टील की कटोरी में स्टेन कर लूँगी ताकि ये इजीली कूल डाउन हो सके। और जब ये प्रॉपर पूरा ठंडा हो जाएगा आप इसे एक किसी ग्लास कंटेनर में, ग्लास जार में इसे निकाल के प्रिजर्व कर सकते हैं। और ये कम से कम 1 महीने तक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको नीड हो, आपको लगे कि आपके बेबी को इसकी ज़रूरत है, आप थोड़ा सा निकालिए, इसे गर्म कीजिए हल्का सा और अपने बेबी को नाइट में इसकी मसाज दे दीजिए। इसको नाइट में देने के बाद आप उसको ढक के सुला दीजिए। और ये मस्टर्ड ऑयल की प्रॉपर्टी गर्म होती है, तो ये क्या करता है, बच्चे के जो भी जितनी भी छाती में कफ है या उसका कंजक्शन है इसको मेल्ट डाउन करने में हेल्प करता है और बेबी को बहुत ज़्यादा और जल्दी रिलीफ देता है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की 2 रेसिपीज़। ये हमारी कोल्ड एंड कफ
होम रेमेडी से ही रिलेटेड वीडियो है। आई होप आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने कोल्ड एंड कफ बेस्ड होम रेमेडीज पे बात की थी। ये उसी वीडियो का ही पार्ट वन है, हमने जिसमें दो रेसिपी शो किए हैं। इसका पार्ट टू भी आएगा जिसमें हम एक और रेसिपी आपसे शेयर करेंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि वो कैसे आपको कोल्ड एंड कफ में रिलीफ दे सकता है। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर हिट कर दीजिए जिससे आपको हमारी आने वाली सारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर सकें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।